हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम टॉपिक नंबर सीरीज जो कि सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स एंड मेनी मोर एंट्रेंस एग्जाम्स का ये फेवरेट एरिया है। हर एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग से नंबर सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नंबर सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैंडल करना सिखाऊंगा और मैं आपको ये ट्रिक दूंगा, टिप दूंगा, शॉर्टकट्स दूंगा कि आप किसी भी सीरीज को विद इन अ फ्यू मिनट्स इस तरह से उस सीरीज को आइडेंटिफाई करके करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है मेरे दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहें, सारे शॉर्टकट्स, टिप्स एंड टेक्निक्स को आप बुक में नोट डाउन करें। हम आज इस वीडियो में टोटल 10 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग का नंबर सीरीज का ऑल एरिया कवर कर लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोस हमने लॉजिकल रीजनिंग पे लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट का ऑर्डर, अल्फाबेट्स के पोजिशंस, आफ्टर द डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट लाइक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, पॉलीगोनल सीरीज, ये ढेर सारे लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आप सारे वीडियोस देखिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करें, और इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं और ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए इसी तरह लाते रहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाएं नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। बी रेडी एवरीवन। नाउ नंबर सीरीज टाइप वन। मेरे प्यारे दोस्तों, एक फॉर्मेट होता है, आपको इस सीरीज को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें मैं आपको टाइप वन बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है इन द फॉलोइंग सीरीज रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे रिप्लेस करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाउ टू सॉल्व इट, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके जो नंबर्स हैं वो 7 है, 7 के बाद अगर आप प्लस 5 करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर 12 मिल रहा है। 12 में अगर आप प्लस 7 करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज 19। 19 प्लस 9 आपको 28 मिलेगा। 28 प्लस 11 अगर आप करोगे देन यू विल गेट 39। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट आप ये आइडेंटिफाई करिए कि 5 के बाद 7 आया, मतलब प्लस 2 हुआ है, 7 के बाद प्लस 2 किया है तो 9 आया है, 9 में प्लस 2 हो रहा है तो 11 हो रहा है, 11 में अगर आप प्लस 2 करोगे तो आपको 13 मिलेगा। इट मीन्स दैट कि नेक्स्ट नंबर जो 39 में ऐड होने वाला है वो 13 है, और 39 में अगर आप 13 ऐड करोगे सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर इज 52, दैट इज 39 प्लस 13। होप दैट आपको फर्स्ट सम क्लियर हुआ होगा। इस समय हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, कंटिन्यू नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एडिशन में। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, सेकंड एग्जांपल में 7 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, 37 दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहला 7 लिखो, 7 से कितना इंक्रीज हो रहा है ये 9, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम प्लस 2 करें तो 9 हो जाएगा। 9 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 13 होगा, तो आप देख सकते हैं कि प्लस 4 करने पे 13 हो रहा है। फिर 13 में कितना ऐड करेंगे, 21 आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 13 प्लस 8 इज 21। 21 में कितना ऐड करोगे कि 37 होगा, तो 16 ऐड करेंगे तो 37 होगा। तो कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें नेक्स्ट नंबर मिले, तो फॉर दैट आप नेक्स्ट देखिए, ये 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। इट मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, इसका मतलब 16 2 अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा 32 आएगा। दैट मीन्स हम 37 में 32 ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 69। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपने देखा प्रीवियस सम में आपके ऑड नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे
टू बढ़ा, फोर बढ़ा, एट बढ़ा, मतलब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से इंक्रीजिंग एडिशन हो रहे थे। सो होप दैट आपको टाइप वन समझ में आया होगा कि किस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है। नाउ टाइप टू, इंक्रीजिंग ऑर्डर बट सब्ट्रैक्शन है। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब इट इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि 107 से 97, 97 से 82 किस तरह से ये नंबर मूव हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर है 107, मैं उसमें से कितना रिड्यूस करूं कि 97 आएगा। तो अगर मैं -10 कर दूं तो आई विल गेट 97, 97 में कितना रिड्यूस करूं कि 82 आएगा। सो -15 करेंगे तो 82 आएगा, 82 में कितना माइनस किया जाए कि 62 आएगा। कम ऑन कमेंट करें, वेरी गुड, -20 किया तो 62 आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, तो नेक्स्ट -25 करोगे सो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 37। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप दैट आपको ये समझा होगा टाइप टू का डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 4, 71 59 48। तो वंस अगेन आप आइडेंटिफाई करिए कि 71 से आपको 59 कितना रिड्यूस करने पे मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 71 है, उसमें से मैं -12 कर दूं तो 59 होगा। नाउ 59 में कितना माइनस करोगे कि 48 मिलेगा। यस, वेरी गुड, -11 करेंगे सो 48 आएगा। 48 में कितना माइनस करें कि 38 होगा, सो -10 करेंगे सो वी गेट 38। 38 में कितना माइनस करोगे कि 29 होगा, -9 करोगे सो यू विल गेट -29। सो आप देख सकते हैं 12 11 10 9, सो द नेक्स्ट नंबर शुड बी -8। और जैसे ही आप -8 करोगे यू विल गेट द आंसर इज 21। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो होप दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपको टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू टाइप 3। टाइप 3 समटाइम हमें स्क्वायर या क्यूब करके पूछते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और समटाइम स्क्वायर क्यूब करके सम नंबर एडिशन और सम नंबर सब्ट्रैक्शन भी पूछा जाता है। लेट अस आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये पैटर्न, किस तरह से ये सीरीज दिया है। तो आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट सम 1 4 9 16 25। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, क्लियर, देन 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। सो होप दैट आप देखिए 1 4 9 16 25। सो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये सारे नंबर्स सिंपली स्क्वायर थे 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, और जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज ए स्क्वायर ऑफ 6। तो दिस इज अ सिंपल सम। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स आइडेंटिफाई कि ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 26, ये किस तरह से सीरीज पैटर्न किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर आपका है 1, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 2, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर दिया है 5, उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर दिया है 26। तो अगर आप देखो तो कैन आई राइट 1 को, 1 का स्क्वायर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? 1। और अगर उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है 2। तो ये 1 से 2 कैसे मिला, समझ में आया? 1 का स्क्वायर करके प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूं और प्लस 1 कर दूं तो कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो हमें 2 से 5 मिला। नेक्स्ट 5 से 26 कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 सो यू विल गेट 26। तो आपने देखा 5 से 26 मिला, 26 के बाद का नंबर क्या होगा? So, वो हम क्या करेंगे, हम 26 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 26 का स्क्वायर होता है 676 प्लस 1, सो यू विल गेट 677। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस एग्जांपल में आपने क्या देखा, इस एग्जांपल में हमने देखा कि नंबर का स्क्वायर करने के बाद प्लस 1 कर रहे हैं सो वी गेट द सेकंड नेक्स्ट नंबर,
सो इस तरीके के पैटर्न्स को आप ध्यान में रखिए कि नंबर सीरीज में ऐसे भी पैटर्न बनते हैं। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट आइडेंटिफाई कि 7, 23, 47 ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 7, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 47, नेक्स्ट 119 एंड द नेक्स्ट 167। सो माय डियर फ्रेंड्स, 7 से 23, अच्छा आपको कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करोगे कि ये स्क्वायर का ही है, क्यूब का ही है? तो आप देख सकते हैं 7 के बाद डायरेक्ट 23 हो गया, 23 के बाद 47, 47 के बाद 119 आ गया डायरेक्ट, और 119 से 167। तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है लेस डिस्टेंस पे नहीं है, जो नंबर दिया है उसके बाद नेक्स्ट नंबर काफी नंबर्स के बाद आ रहा है, उसके बाद वाला नंबर और भी काफी ज्यादा नंबर के बाद आ रहा है। तो ये नंबर के बीच में जो गैप है ये बहुत बड़े बड़े गैप है, और ये गैप कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब सेम गैप नहीं है, काफी बड़े बड़े गैप आ रहे हैं। जब ऐसे काफी बड़े बड़े गैप आए तो आप समझ लीजिए कि इट इज रिलेटेड टू समथिंग स्क्वायर और क्यूब, और स्क्वायर और क्यूब भी परफेक्ट ना दिखे तो स्क्वायर या क्यूब करके कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, सो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा समझना है। नाउ 7 दिया है, तो आप देखिए हम ये 7 को कैसे ला सकते हैं। 7 है, 23 है, 47, तो 7 के आजू बाजू कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर हो या क्यूब हो? पहले स्क्वायर के बारे में सोचिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ओके? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है माय डियर फ्रेंड्स, और 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 7, क्लियर? सिमिलरली 23, 23 का नियरेस्ट नंबर है 25, जो कि 5 का स्क्वायर है, तो इट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो 23। तो आप देख सकते हैं ये नंबर का स्क्वायर करके माइनस 2 होने पे आ रहा है। 47 जो है 49 का नियरेस्ट है, जो कि 7 का स्क्वायर है माइनस 2, यू विल गेट 47। नेक्स्ट 119 जो है वो 11 का स्क्वायर 121 होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 11 का स्क्वायर होगा 121, 121 माइनस 2 दैट इज 119। 167 जो है वो 13 के स्क्वायर का नियरेस्ट है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 माइनस 2 इज 167। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक चीज और नोटिस किया कि ये जो स्क्वायर है वो केवल ऑड नंबर है, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं आया, बिकॉज 9 ये जो नंबर्स हैं ऑड नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि 9 इज अ ऑड नंबर, बट यहाँ पे 7 के बाद 9 नहीं आया है, 11 आया है, तो इट इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। तो ये किस तरह से पैटर्न चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये चल रहा है प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से ये सीरीज फॉर्म की गई है। तो विच नंबर इज नेक्स्ट नंबर विच इज प्राइम, 13 के बाद कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा? सो 13 के बाद आता है 17, तो यू विल टेक 17 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज 287, बिकॉज 70 का स्क्वायर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 289 माइनस 2, सो यू विल गेट 287। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। होप दैट आपको समझा होगा। तो ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस 1। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट सम। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 किया, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। 24, 60, 120, 210 ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? कम ऑन, आप ट्राई कर सकते हैं इस सम्स को। तो क्या आएगा 24 क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 24 को हम सोचिए अगर स्क्वायर में जाएंगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 1 होगा, बट 60 किस कौन से नंबर के स्क्वायर के बाजू में है? 64 के बाजू में है, तो 64 मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अगर आप 25 पकड़ोगे तो 24 के बाजू में 25 है, जो कि 5 स्क्वायर माइनस 1 है, तो नेक्स्ट नंबर 60 है, 60 के बाजू में 64 आएगा, जो कि आपका 8 स्क्वायर माइनस 4 करने पे आएगा। तो ये तो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो व्हाट वी विल डू, लेट अस थिंक अबाउट क्यूब। तो 24 कौन सा नंबर ऐसा है जो क्यूब देगा? तो 2 का क्यूब 8 होता है माय डियर फ्रेंड्स,
का क्यूब 27 होता है, तो 27 माइनस 3 इज 24। क्लियर? 27 माइनस 3 इज 24। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर माय डियर फ्रेंड्स? 60। 60 के बारे में सोचो, तो 4 का क्यूब 64, एंड 64 माइनस 4, तो ये बिहेव कर रहा है 4 का क्यूब माइनस 4। ओके, नाउ 120 विच इज 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब माइनस 5। यस, होप दैट आपको पैटर्न समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट 210 है, 210 किसका होगा माय डियर फ्रेंड्स? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6, दैट इज 210। तो डेफिनेटली विच वन इज द नेक्स्ट नंबर माय डियर फ्रेंड्स? सो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली 7 का क्यूब माइनस 7 होगा, तो 7 का क्यूब माइनस 7 करोगे, सो यू विल गेट द आंसर इज 336। होप दैट आपको समझा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। इज दैट क्लियर? यस, 7 का क्यूब माय डियर फ्रेंड्स 343 होता है, तो 343 माइनस 7 करेंगे, सो यू विल गेट 336। ओके, वेरी गुड। चलिए लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि नेक्स्ट टाइप है। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप? समटाइम माय डियर फ्रेंड्स अल्टरनेट पैटर्न सीरीज आता है, तो हमने टाइप 3 में देखा स्क्वायर और क्यूब करके समथिंग ऐड करना, समथिंग सब्ट्रैक्ट करना। नाउ टाइप 4 है आपका अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। व्हाट इज दिस अल्टरनेट पैटर्न सीरीज? ये अल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्या है? सो लेट्स सी, कॉन्सेंट्रेट करिए। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। पहला नंबर है 7, 7 के बाद क्या दिया है बच्चों? 11। तो 7 से 11 कितना जा रहा है? तो आप देखिएगा 7 से 11 जो है वो आपका प्लस 4 हो रहा है, फिर 11 से 13, सो ये हो गया आपका प्लस 2, 13 से 17 ये अगेन प्लस 4, 17 से 19 ये हो गया प्लस 2। होप दैट आप समझ रहे हैं, मतलब ये ऑल्टरनेट बन रहा है, पहले प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, तो 19 से 23 दैट इज प्लस 4, 23 से 25 दैट इज प्लस 2, 25 से 29 दैट इज प्लस 4। सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज प्लस 2 कर देंगे आप, तो यू विल गेट 31। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। अल्टरनेट पैटर्न सीरीज मतलब प्लस 4 प्लस 2, प्लस 4 प्लस 2, प्लस 4 प्लस 2, इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न सीरीज बनता है। सो होप दैट आपको समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप आइडेंटिफाई करिए जो 27 32 दिया है, तो 27 है, 27 से 32 हो गया, मतलब ये हो गया प्लस 5। आप प्लस 5 करेंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स यू विल गेट 32। 32 में माइनस 2 कर दो, तो यू विल गेट 30। 30 में वापस प्लस 5 हो गया, सो यू विल गेट 35। 35 में वापस माइनस 2 हो गया, सो यू विल गेट 33। तो वंस अगेन आपने देखा कि ये वापस अल्टरनेट जा रहा है, तो नेक्स्ट होगा प्लस 5, और जैसे आप प्लस 5 करेंगे यू विल गेट 38। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। होप दैट आपको अल्टरनेट पैटर्न सीरीज समझ में आया। यहाँ पे प्लस 5 माइनस 2, प्लस 5 माइनस 2, इस तरह से अल्टरनेट हो रहा था। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2 1 4 3 6 5 8, जस्ट आइडेंटिफाई करिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करिए कि सर ये क्या हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप ये सबको ट्राई करो माय डियर फ्रेंड्स, और इमीडिएट कमेंट करो। लेट अस स्टार्ट। आपको दिया गया है 2 1 4 3 6 5 8, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो तो अल्टरनेट अगर देखा जाए तो 2 से 4 4 से 6 6 से 8, तो 8 से ये वाला नंबर आएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये 2 का टेबल है, 2 2 जा 4 4 सॉरी यस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो यहाँ पे नंबर आएगा 10।
बट हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है, तो आप सेकंड वाले को देखिए, वन वन से थ्री, थ्री से फाइव, तो फाइव से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आप देख सकते हैं ये टू टू के गैप पे चल रहा है और ऑल्टरनेट चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आएगा माय डियर फ्रेंड्स सेवन, वन थ्री फाइव, तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा सेवन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इसको आप इस तरह से तरीके से भी देख सकते थे, टू वन फोर थ्री सिक्स फाइव एट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वन हुआ, यहाँ पे प्लस थ्री हुआ, यहाँ पे माइनस वन हुआ, यहाँ पे प्लस थ्री हुआ, यहाँ पे माइनस वन हुआ, यहाँ प्लस थ्री हुआ, तो नेक्स्ट नंबर होगा माइनस वन. तो आप इस तरीके से भी, जैसे हमने प्रीवियस टू सम्स किए उसी तरीके से, उसी टाइप से आप इस सम को भी हैंडल कर सकते थे. और ये मैंने जो एक न्यू आइडिया आपके दिमाग में दिया, उसे भी आप देख के ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज. नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. 3, 128, 6, 64, 9, ये सेंटर में क्वेश्चन मार्क आया है. तो वंस अगेन इसको आप अपना ब्रेन लगा के ट्राई करें कैसे चल रहा है. तो सम टाइम अभी ये देख रहे हैं कि आप 3 देखो, 3 से 6 आ रहा है, ऑल्टरनेट देखिए 3 6 9 12 15, तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये 3 का टेबल है. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये पैटर्न समझ गया. पर जो क्वेश्चन मार्क है वो अल्टरनेट वाले का है. अब ये 128 64 है, तो ये रिवर्स में जा रहा है. आप क्या करें, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, आप यहां से स्टार्ट करें, 8 16, 16 के बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आएगा, आप देखो 8, 8 के बाद 16 आया, तो 8 टू जा 16. अब 16 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, वो फाइंड आउट करना है. और इस क्वेश्चन मार्क के बाद नेक्स्ट नंबर आपको 64 दिया है, और 64 के बाद नेक्स्ट नंबर 128 दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 64 टूजा हो रहा है, 64 टूजा हो रहा है. ओके, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 टूजा 16, तो 16 टूजा अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 32, और यहाँ पे 32 टूजा आप देख सकते हैं 64. तो यहाँ पे इंटू टू पैटर्न में चल रहा है. आप रिवर्स में जाएंगे, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, सो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 32, और 32 टू जा 64, 64 टू जा 128. तो होप दैट आपको समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए 32 है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज. व्हाट इज ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, उसको भी आप जरा ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 1, फिर 6, फिर 15, फिर 28, फिर आपको दिया गया 45, फिर आपको दिया गया डैश, फिर दिया गया 91. तो आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 5. 6 एंड 15 9, 15 28 13, यहाँ पे 17. ये गैप आपको पता नहीं है, यहाँ डैश, और ये गैप आपको पता नहीं है, दैट इज डैश. सो अब आप क्या करो, ट्रायंगुलर पैटर्न का मतलब, अब ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, देख सकते हो वैसे आपको तो समझ में आ रहा है कि सर 4-4 इंक्रीज हो रहा है, बट अगर एग्जाम में आपको क्लिक नहीं हुआ तो आप एक रो और नीचे जाओ, ये कितने का गैप है, 4. 9 एंड 13 अगेन 4, 13 एंड 17 अगेन 4, तो एक एक थर्ड रो में आप देख सकते हैं 4-4-4 कॉन्स्टेंट गैप आ रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यू गैप आएगा 4, तो जैसे ये 4 का गैप आएगा तो 17 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 18, 19, 20, 21 आ जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? और आप देख सकते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद ये 45 में ये 21 ऐड होएगा, सो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 66. सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी 66. अगर आपको ये चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग, आप एक स्टेप और आगे जाओ, 21 में ये 4 डालेंगे तो आपको माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलेगा 25.
और आप देख सकते हैं कि 66 में ये 25 ऐड करोगे तो आपको 91 मिलेगा। सो आप कॉन्फिडेंटली समझ सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर पैटर्न। 1, 2, 3 ये थर्ड रो में जाके कांस्टेंट आ गया। सो इस तरीके से भी आप अपने सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप ध्यान में रखें कि कैसे कैसे नंबर सीरीज में एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। लेट अस प्रोसीड वन मोर एग्जांपल ऑन टाइप 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। आपको नंबर दिए गए हैं 0, 6, 24, 60, 120। लेट्स आइडेंटिफाई 0, 6, 24, 60, 120, 210 और लास्ट में है डैश। तो 0 और 6 के बीच में 6 का पैटर्न है, इसके बीच में 18, 6 प्लस 18, 24, 24 प्लस 36, 60, 60 प्लस 60 दैट इज 120, 120 प्लस 90 इज 210 एंड 210 प्लस पता नहीं अभी। अब नेक्स्ट में जाइए, 6 में कितना ऐड हो रहा है, 12, 18 में अगेन 18, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे आप 36 प्लस 24 इज 60, नेक्स्ट में आप 30 डालेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आपको पता फिलहाल नहीं है, अभी तक नहीं मिला। एक लाइन और आगे जाइए, 12 में कितना डालेंगे आप, 6 डालेंगे तो 18 आएगा, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30। यस, यहाँ पे जाके आपको पता चल गया कि एट द एंड आप 6 ऐड करोगे। 30 में माय डियर फ्रेंड्स कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 36। अब देखिए कैसे कैसे जाना है। अब ये 90 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 90 में 36 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 126। और फाइनली माय डियर फ्रेंड्स ये 210 में आप 126 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 336। दैट इज 210 प्लस 126 यू विल गेट 336। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको ये ट्रायंगुलर पैटर्न समझ में आया होगा। सो मैंने आपको ट्रायंगुलर पैटर्न पे टू एग्जांपल्स कराए, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज द नेक्स्ट टाइप, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। अब इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको काफी मिक्स करके पूछा जाता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा आइडियाज लेके आप चलोगे तो आप क्रैक कर लोगे। लेट अस सी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज 17। तो 17 है, नेक्स्ट है 36। अब ये 17 है 36, ये 17 का टेबल रीड करिए, 17 टू जा 34, और उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 36। तो 17 से 36 निकाला। सेम पैटर्न पे अगर मैं 36 टू जा करके प्लस 2 करूं तो 36 टू जा 72, 72 प्लस 2 दैट इज 74। तो 36 से मुझे मिला 74। अब यही पैटर्न पे अगर मैं 74 इंटू 2 करूं एंड प्लस 2 करूं तो मुझे 74 टू जा दैट इज 148, 148 प्लस 2 दैट इज 150। तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिला 150, दैट इज 74 से आया। अब 150 इंटू 2 दैट इज 300, 300 प्लस 2 दैट इज 302। सो हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन डी, दैट इज 302। बट मोर वेरिफिकेशन आप एक लाइन और आगे जाइए, 302 से आपको 606 आना चाहिए। तो 302 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, यस द नेक्स्ट नंबर इज 606। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्स्ड पैटर्न कैसे हुआ, या आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। तो इस तरह से लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड आज सम्स आते हैं, बाय प्रैक्टिस आपको ये सारे सम्स आएंगे। ये मैंने आप लोगों को वन शॉट की तरह सारे टाइप्स ऑफ सम्स मैंने नंबर सीरीज के कवर किए हैं, जिससे आपका एक क्विक रिविजन हो जाए और आपको सारा आइडियाज आ जाए। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, 45, 46, 70, 141 एंड नेक्स्ट। तो लेट अस सी
पहला नंबर आपका 45, तो 45 को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? सपोज मैं 45 में इंटू वन कर दू, 45 इंटू वन दैट इज 45 प्लस वन किया मैंने, तो मुझे मिल गया 46, तो 45 से मुझे मिला 46। तो 46 से 70 कैसे मिलेगा? तो अगर मैं 46 में इंटू टू करोगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 46 में अगर मैं इंटू टू करूँ तो 92 हो जाएगा, बट हमें 46 से 70 लाना है। तो मैं अगर मैं 1.5 कर दूं, अगर 1.5 किया जाए तो वी गेट 69। 46 इंटू 1.5 इज 69 प्लस 1 दैट इज 70। सो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंटू 1.5 करना पड़ा, तो अब 70 से 141 कैसे आएगा? कम ऑन, वीडियो पॉज करके आप कमेंट करें और चेक करें आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। तो आप देख सकते हो 70 में इंटू टू किया तो 140 प्लस 1 दैट इज 141। पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 141 में आपको इंटू 2.5 करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, और प्लस 1, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 353.5, दैट इज ऑप्शन बी। और आप एक स्टेप आगे जाके वेरीफाई करें कि अब 353.5 से आपको ये नंबर आ रहा है या नहीं। तो 353.5, इसमें आपको 2.5 के बाद 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। 353.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1061.5। यस, तो आपका आंसर नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, इट मीन्स दैट 353.5 इज द राइट आंसर। तो होप दैट कि आपको ये मिक्स्ड पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप। नाउ टाइप नंबर 7 माय डियर फ्रेंड्स, विच इज ऑड वन आउट। तो आपको सम टाइम ऑड वन आउट पूछा जाता है, और भी नंबर्स पे, तो सेम रहता है जो अभी हमने सीखा वही रहेगा, बट अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा नंबर ऑड वन आउट है। तो अभी तक हमने 16 प्रॉब्लम्स किए, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17। कैन यू आइडेंटिफाई कि इसमें से ऑड नंबर कौन सा है, कमेंट करें। नाउ क्या दिया गया आपको नंबर्स? आपको नंबर दिया गया माय डियर फ्रेंड्स 4, 12, 44 एंड 176 एंड 890। तो लिटिल बिट चलिए ट्राई करते हैं। 4 है, 4 से 12 कैसे आएगा? तो अगर मैं 4 टू जा करूं तो 4 टू जा 8 हो गया, और प्लस 4 किया जाए तो आपको आ जाता है 12। अब 12 से 44 देखिए, तो 12 अगर मैं 12 टू जा करूं तो 24 होता है, 24 प्लस 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं 12 थ्री जा अगर करूं तो नियरेस्ट नंबर आएगा 44 के पास का आएगा, तो 12 थ्री जा 36, 36 प्लस 6 दैट इज 42। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 करोगे तो 44 हो जाएगा, तो वेट एंड वॉच, लेट अस प्रोसीड कि ये पैटर्न को अगर मैं लेके चलू तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या बनता है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे 42 होना चाहिए, ये लोगों ने 44 दिया है। आगे चलो, अगर मैं 42 है तो मुझे 42 से नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 का हुआ, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ 4 होना चाहिए। तो व्हाट इज 42 इंटू 4? तो आप देख सकते हैं 42 इंटू 4 इज 168, और 168 में मैं 4, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ 6 ऐड किया, तो नेक्स्ट नंबर 8 ऐड होगा। तो 168 प्लस 8 दैट इज 176। यस, ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 4 6 8, तो 176 आया। तो एक स्टेप और आगे आप जाइए, 176 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 5 का प्लस 10 होना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट नंबर आएगा 890। अगर 890 आता है तो ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 176 इंटू 5 प्लस 10, यस इट इज 890। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे नंबर 42 आना चाहिए था और इन्होंने दिया है 44। ये 44 की जगह क्या होना चाहिए था? 42 होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट हो गया ऑप्शन सी दैट इज 44। होप दैट आपको समझा होगा कि किस तरह से ऑड वन आउट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है
इसमें से कोई एक नंबर आपको गलत दिया रहेगा, यहाँ पे वो गलत नंबर था, रॉन्ग नंबर था 44, जो कि 42 होना चाहिए था, तो इट इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18। कम ऑन, आप ट्राई कर सकते हैं। 56 दिया है, 72 दिया है, 90 दिया है, 110 दिया गया है, तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? कम ऑन। तो अगर आप देखो तो ये 56 है, 56, देर आर मेनी वेज, ये हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, देर आर मेनी वेज। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 8 जा 56, 72, 8 9 जा 72, देख रहे हैं आप, 90 9 10 जा 90, क्या आप पैटर्न पकड़े? 7 8 जा, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 जा 9 10 जा, तो नेक्स्ट क्या होगा? 10 11 जा, फिर कैसे आना चाहिए? 11 12 जा, फिर कैसे आना चाहिए? 12 13 जा। यस, एग्री एवरीवन? इस तरीके से आपके नंबर्स आने चाहिए। तो व्हाट इज 10 11 जा? 10 11 जा इज 110। व्हाट इज 11 12 जा? दैट इज 132। व्हाट इज 12 13 जा? दैट इज 156। तो यहाँ पे 150 दिया है, जो कि 156 होना चाहिए था, तो व्हाट इज द ऑड वन आउट? ये 150 रॉन्ग है, ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन डी 150। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था माय डियर फ्रेंड्स? 156 अगर आया होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे 150 दिया है, विच इज रॉन्ग, तो ऑड वन आउट हो गया 150। होप दैट मैंने ऑड वन आउट का आपको टू एग्जांपल्स कराए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड वन मोर एग्जांपल ऑन ऑड वन आउट, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ 9 14 19 25, इस तरीके से आपको दिया गया है, कैन यू आइडेंटिफाई क्या हो सकता है? तो देखिए, देर आर सेवरल मेथड, बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्राई करें। तो आप वीडियो पॉज करके आप इस सम्स को ट्राई करें और मुझे कमेंट करो कि सर 19 का आंसर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 9 दिया है, 14 दिया है, 19 दिया है। तो अगर देर आर सेवरल मेथड्स, अगर आप रिवर्स जाओ तो 40 से 32 -8 हो रहा है, 32 से 25, आप देखेंगे 25 -7 हो रहा है, 25 से 19 -6 हो रहा है, 19 से 14 -5 हो रहा है, तो 14 से 9 कितना होना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 8 7 6 5, तो आपका -4 होना चाहिए था, और अगर आप -4 करोगे तो 14 -4, इस जगह पे नंबर आना चाहिए था 10। 9 की जगह पे क्या आना चाहिए था? 10, क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि 14 में से 4 गया 10 होता है, जबकि इन्होंने क्या दिया? 9, तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन डी 9, जो कि रॉन्ग है, 10 होना चाहिए था। होप दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ऑड वन आउट। एक और एग्जांपल ऑड वन आउट का लेते हैं, देखते हैं क्या हमें दे रहा है ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज 7, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, तो ये आप देख सकते हैं 7 से 4 हो गया, लेस हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर 5 से 9 इंक्रीज हो रहा है, 20 इंक्रीज हो रहा है, 51 इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ 7 से 4 लेस हो गया। तो लेट अस सी, जरा देखते हैं, 7 7 से लेस हो गया, तो 7 का अगर हाफ करूं मैं, 7 का हाफ कितना हो जाएगा? 3.5। नेक्स्ट नंबर 4 है, तो 3.5 में 0.5 ऐड कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। That means 7 का हाफ करना है, मतलब डिवाइड बाय 2, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो 7 का हाफ किया मैंने, मतलब 7 × 0.5 प्लस 0.5, वी गेट 4। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, 4 से 5 कैसे मिलेगा? 4 × 1 प्लस 1, तो हमें मिला 5। चलिए 5 से 9 कैसे मिलेगा? तो 0.5 फिर 1 हुआ, तो अब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 × 1.5, यहाँ 0.5 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, तो यहाँ 1.5 ऐड करिए, सो 5 × 1.5 प्लस 1.5, दैट इज 9, देख सकते हैं 9 मिला। अब 9 में क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? 9 × 2 प्लस 2, दैट इज 20। यस, हमें 20 भी मिल गया, 20 × 2.5 प्लस 2.5, which is equal to
52.5, यस क्या आना चाहिए, 52.5। यहाँ पे क्या दिया है 51, तो मैं ऑड वन आउट 51 मिल गया। बट लेट अस प्रोसीड वन मोर स्टेप, जिससे आपको ये पता चले कि नेक्स्ट वन 60.5 आता है कि नहीं। 52.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, यस व्हेन यू विल डू इट यू विल गेट 160.5। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस यहाँ पे 51 नहीं होना चाहिए था, इन स्टेड ऑफ 51 52.5 होता तो ये सीरीज करेक्ट होती। यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन बी 51। सो होप दैट आपको ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज लेटर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 21। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर सीरीज के अंदर समटाइम आपको लेटर सीरीज भी पूछते हैं, CEGJMQ इस तरह से पूछा गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लेटर के ऊपर, अल्फाबेट्स के ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाया है जो कि लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको ये बताया है, फॉर एग्जाम्पल ए का पोजिशन फर्स्ट है, बी का पोजिशन टू है, वट इज द पोजिशन ऑफ एट। तो मैंने वहां पे शॉर्टकट दिए है कि इस तरह से आप ज्वाइन करो तो ये एट मेंबर की तरह दिखता है, तो एच का पोजिशन हो गया एट। उसी तरह अगर मैं आपको पूछूं के का पोजिशन क्या है, तो के का पोजिशन कौन से नंबर पे आता है, तो मैंने आपको ट्रिक दिया था, के लिए आप याद रखेंगे किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो के का पोजिशन हो गया 11। इस तरह से मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं, आप उधर जाकर उस वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे आपको लेटर सीरीज में काफी हेल्प मिलेगा। लेट अस प्रोसीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? आपको सी दिया गया है, सी के बाद आपको क्या दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, ई। तो अभी आपको ये फाइंड करना है कि सी से ई, ई से जी कितने नंबर के गैप पे आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला सी, सी डी ई टू स्टेप अप अहेड, आगे जाएंगे प्लस टू करेंगे तो आपको ई मिलेगा। ई के बाद एफ जी, अगेन टू स्टेप किया तो आपको जी मिला। जी के बाद आपको क्या चाहिए, जे चाहिए। जी के बाद एच आई जे, तो आपको प्लस थ्री करना पड़ रहा है। जे के बाद के एल एम, अगेन आपको प्लस थ्री करना पड़ रहा है। और एम के बाद एन ओ पी क्यू, प्लस फोर करने पे आपको क्यू आया, तो आप देख सकते हैं टू टाइम प्लस टू हुआ, टू टाइम प्लस थ्री हुआ, तब दो बार प्लस फोर होगा, तो नेक्स्ट प्लस फोर करेंगे तो आपको मिलेगा। तो क्यू के आगे बोलिए आर एस टी यू, करेक्ट आंसर आएगा यू, दैट इज ऑप्शन ए। सो इस तरीके से आपको लेटर सीरीज में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो होप दैट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22। आपको अभी ये दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, ए सी ई बी डी एफ सी ई जी, तो विच वन इज द नेक्स्ट लेटर। तो इसमें आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली ये टाइप के एग्जांपल्स जो आते हैं, आप सबके फर्स्ट लेटर ले लीजिए, ए बी सी फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, नेक्स्ट वाले का फर्स्ट लेटर बी है, नेक्स्ट वाले का सी है, तो हमारा नेक्स्ट क्या आना चाहिए, डी। नाउ व्हाट इज द सेकंड लेटर, अगर आप सेकंड लेटर देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या दिख रहा है सेकंड लेटर, सेकंड लेटर आपको दिखेगा सी डी ई। तो आप देख रहे हैं यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर, द नेक्स्ट लेटर इज डेफिनेटली एफ, तो आपको डी मिलना चाहिए एफ। आप देख सकते हैं डी एफ ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ए में है, तो इनमें से कोई होगा। तो लेट अस कंफर्म विद द थर्ड लेटर, व्हाट इज द थर्ड लेटर, थर्ड लेटर आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे थर्ड लेटर ई है, फिर एफ है, फिर जी है, ई एफ जी, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, एच। तो डी एफ एच, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो होप दैट आपको समझ में आया होगा इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्रैक करने का तरीका क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, टाइप नंबर 9, अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको अल्फाबेट्स दिए रहेंगे और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे। अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, दैट इज लेटर ए बी सी डी, न्यूमेरिक मीन्स नंबर। ओके, आप देख सकते हैं पी थ्री कॉमा एम एट कॉमा, तो पहला नंबर क्या है, इसमें आप पहले अल्फाबेट्स को हैंडल करिए। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट, पी, देन एम, देन डैश, देन जी, देन डी।
तो आपको ये देखना है। तो अगर आप देखो तो पी से एम जाना है, तो ये तो बैकवर्ड हो गया, क्योंकि पी बाद में आता है, एम पहले आता है, तो ये बैकवर्ड हो गया। तो ऐसे केस में आप उल्टा चलो, क्योंकि बैकवर्ड से ज्यादा तेज हम लोग क्या सोच सकते हैं, फॉरवर्ड। तो डी से जी कैसे जाएगा, तो डी के बाद ई एफ जी प्लस सी, तो जी के बाद क्या आना चाहिए, एच आई जे, तो प्लस थ्री करोगे तो जे आएगा, जे के आगे प्लस थ्री करिए, जे के बाद के एल एम, यस प्लस थ्री पे एम आया, एम के बाद प्लस थ्री करिए, एन ओ पी, यस प्लस थ्री किया तो हमें पी आया। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो लेटर आएगा वो जे वाला आएगा। आप देख सकते हैं जे के दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन डी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को हैंडल करेंगे, व्हाट इज द नंबर, थ्री देन एट देन डैश देन 24 देन 35। अब आप देखिए ये थ्री से एट कितना हो रहा है, थ्री प्लस फाइव इज एट, एट प्लस पता नहीं कौन सा नंबर ऐड होगा, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कोई तो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इस नंबर में आप कुछ ऐड करोगे तो 24, 24 में कितना ऐड हो रहा है कि 35 आएगा वो सोचिए आप। तो 24 में आप 11 ऐड करोगे तो 35 होगा, तो ये कंफर्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 ऐड हो रहा है और लास्ट में 11। तो 5 से 11 तक आप कैसे पहुंचोगे, 5 देन 7 देन 9 देन 11, होप दैट इसी तरह से होगा। तो 8 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो यू विल गेट 15, और 15 में 9 डाला तो 24। इस तरीके से आपको सोचना है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा आना चाहिए, 15, तो जे के बाद आएगा 15, सो हमारा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा J15, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 24। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड वन है, पहला लेटर क्या है, सी देन ई, एक एक ऑप्शन ट्राई करिए, सी ई एच एल, आप देख सकते हैं सी प्लस टू डी ई, टू एड हुआ, पी से एच एफ जी एच आई जे के एल प्लस फोर, तो टू थ्री फोर ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑप्शन बी के एम पी टी के एल एम, एम के बाद एन ओ पी थ्री लेटर, पी के बाद क्यू आर एस पी प्लस फोर, ओके ये भी सेम तरीके से जा रहा है। सी ऑप्शन O Q P X, O के बाद P Q, ओके Q के बाद R S P, P के बाद U V W X, अगेन ये भी सेम जा रहा है। ऑप्शन D पे चलिए, N P S V, N के बाद O P, ओके P के बाद Q R S, ओके S के बाद T U V, यहाँ पे केवल प्लस थ्री हुआ। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, प्लस फोर होना चाहिए था, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू आना चाहिए था, बट ये लोगों ने क्या दिया है, वी, इसके लिए ऑप्शन डी ऑड वन आउट हो गया। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ लास्ट फाइनल टाइप, दैट इज टाइप 10, जिससे आपका सारा का सारा पूरा नंबर सीरीज आपका कवर हो गया, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको एक पैटर्न बनेगा, आपका सम लेटर, कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा लेटर रिपीट होगा। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ये ट्रिक है कि आप देखिए ये सी है, तो आप ये फाइंड आउट करिए कि सी किधर है। अब आगे जाके सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यस, तो सी के बाद कौन सा लेटर है, ई, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए ई। क्लियर एवरी वन? नाउ अब आप देखिए, अब ये पैटर्न बन रहा है ए सी ई डी ए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, वापस ए आया, ए के बाद क्या लिखा है, ए के बाद लिखा है सी, ए के बाद क्या है सी, तो यहाँ पे ए के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए के बाद आ जाना चाहिए सी। आपको पूछा जी के बाद क्या आएगा, तो आप ये फाइंड आउट करिए कि जी कहाँ है, तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जी के बाद आया है ए,
जी के बाद कौन है ए, यहाँ जी के बाद क्या आना चाहिए ए। ओके तो आप पूछा ई के बाद क्या आएगा, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ई के बाद जी दिया है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेटर आना चाहिए जी। तो अभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ई, देन सी, देन ए, देन जी, ई सी ए जी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके और अब ध्यान दीजिएगा, तो ये एक पैटर्न बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। पहले लेटर देखिए ए सी ई जी, फिर ए आया, तो ए सी ई जी यहां तक आप एक हुआ। अब उसके बाद वापस आपका ए आया, तो ए से स्टार्ट करिए ए सी ई जी, देख सकते हैं वापस ए सी ई जी हुआ, फिर ए आया, फिर आप स्टार्ट करिए, आप देख सकते हैं वापस ए सी ई जी। तो माय डियर फ्रेंड्स ए सी ई जी इस तरीके से ये एक पैटर्न बना रहा है, फोर फोर लेटर का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ए सी ई जी, उसके बाद वापस ए सी ई जी, उसके बाद वापस ए सी ई जी, इस तरह से ये कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज बन रहा है। सो होप दैट आपको ये टाइप का नाम समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कुछ एक पैटर्न बनेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले सबसे ज्यादा लेटर जहां दिए वहां जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर लेटर है एस आर एस टी, तो फोर के बाद आप थ्री लेटर पे जाइए, अब इसको रीड करिए ये क्या है, बोलिए एस आर एस टी, यहाँ पे क्या है एस आर एस, तो नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा टी, टी के आगे क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, टी के आगे लिखा है आर, यहाँ नेक्स्ट लेटर हो जाएगा आर, समझे कि नहीं, आर के बाद पता नहीं। चलिए अब ये एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए स्टार्टिंग से एस आर, एस आर के बाद क्या है, आर के बाद एस आर है, यहाँ पे आ गया आपका एस टी आर, आगे टी आर। सो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है, कैसा पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, तो ये हमें मिल गया। और ये एस आर एस टी आर के आगे कोई भी लेटर नहीं दिया है, इसका मतलब अगर आप यहाँ जो भी लेटर लिखोगे टी 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 लिखा तो तीनों जगह पे टी आएगा, तीनों जगह पे जो भी लेटर लिखोगे वो तीन ऑल दिस थ्री प्लेस पे सेम ही आएगा, तो एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा। तो अभी आपको ये देखना है तो कितने फिल इन द ब्लैंक्स थे, वन, देन आपका एस आया, फिर ये डैश, फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे टी आया, देन डैश, देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आर आया। सो एस टी आर ये टू फोर सिक्स पोजिशन पे है, तो पहले देखिए सिक्स पोजिशन, लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स पे आर किसमें है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें एस है, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें आर है। चलिए अब सेकेंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का हमें पता नहीं, इसके प्रीवियस फिल इन द ब्लैंक्स में टी आना चाहिए, तो पीछे से थर्ड नंबर पे टी कौन किसमें है, देखिए यहां से यहाँ पे एस है, तो ये ऑप्शन कैंसल, यस बी ऑप्शन में टी है, बी ऑप्शन में टी है, तो बी और डी में से होगा, फिर एक डैश है, उसके पहले क्या आना चाहिए एस, मतलब स्टार्टिंग से सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स पे एस होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है। अब ये है कि जो भी लेटर आएगा इन तीनों पोजीशन पे सेम आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट पे टी है, थर्ड पे आर है, फिफ्थ पे एस है, तो यहाँ पे टी आर एस है, सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे टी, थर्ड पोजीशन पे टी और फिफ्थ पोजीशन पे टी, तो ऑप्शन डी हो गया, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा, तो जैसे आप यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स टी लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, तो ये एक पैटर्न बनेगा आपका इस तरीके से टी एस आर एस टी आर, ये भी एक पैटर्न बन जाएगा टी के साथ में टी एस आर एस टी आर, ये भी एक पैटर्न बनेगा टी एस आर एस टी आर, तो होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ मैंने ट्रिक किया दिया, यहाँ हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था फोर लेटर, सबसे ज्यादा लेटर यहाँ पे फोर था और यहाँ सबसे ज्यादा थ्री लेटर था, तो हमने फोर लेटर को देख के स्टार्ट किया था, इस तरीके से आप क्लू यूज करिए। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, एंड दिस इज द लास्ट सम ऑफ द वीडियो, तो मैंने आपको बहुत सारे सम्स कराए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27।
लेट्स सी, और आप ट्राई करें। तो सबसे ज्यादा लेटर कहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव लेटर का एक बंच है, बी सी सी ए बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ फोर लेटर है, तो आप देखिए सी ए डबल बी आ रहा है, सी ए डबल बी। तो अगर आप केयरफुली ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो सी यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, सी ए बी बी, सी ए बी, सी ए बी आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट लेटर होप दैट कि यहाँ पे बी आएगा, तो आप इस तरह से ट्राई करिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ओके, अब जैसे ये बी आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लंबा सा बंच आपका रेडी हो गया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का आपका एक पैटर्न बन गया यहां तक। ओके, बी सी सी ए बी बी सी ए बी। ओके, अब अगर आप देखें तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बी आया, तो वन टू पीछे से सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स बी है, तो पीछे से सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स बी कहाँ पे है, इस ऑप्शन में तो नहीं है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ए ऑप्शन नहीं है। सो आपके ए और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। सो अब आप क्या करोगे, बी होगा नहीं तो सी होगा। तो आप ऑप्शन के हेल्प से इस सारे सम्स को आप ट्रैक कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस प्रोसीड। अगर आप देखो तो इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, तो अब ये लास्ट पोजीशन पे बी आएगा नहीं तो सी आएगा, बी आएगा नहीं तो सी आएगा। और अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में यहाँ पे बी दिया गया है, बी बी। तो यहाँ पे आप बी लिख दीजिए विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। उसके बाद आप देखिए, अब एक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करिए, अब क्या बन रहा है, ए बी बी, ए के बाद क्या आया, बी बी सी, फिर से ए चालू हो गया, यस। तो अगर मैं देखूं माय डियर फ्रेंड्स केयरफुली ध्यान से देखिएगा, तो ए बी बी देन सी आया, फिर वापस आपका ए आ रहा है। तो मैं अगर यहां से यहां तक पकड़ू, ए बी बी सी, नाउ अब ए के बाद क्या आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, तो अब नेक्स्ट कैसा आ रहा है, ए बी बी, फिर डैश है, फिर आगे सी आ रहा है, फिर ए से चालू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो बार बी है तो दो बार सी ले लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ए तो नहीं आ सकता क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो सी तक जाना चाहिए, तो होप दैट ऑप्शन सी आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ सी ले लूं तो मेरा नेक्स्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है, ए टू टाइम बी टू टाइम सी, क्लियर ऑल। अब वापस स्टार्ट हो रहा है ए से, तब कैसे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, ए ए फिर डैश आ गया है, फिर बी आया है, फिर दो बार सी आया, हमें सी तक जाना है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो सी तक जा रहा है। तभी अपना नेक्स्ट पैटर्न यहां से लेके यहां तक बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो बार ए आया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी आना चाहिए, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा बी आना चाहिए। तो देख सकते हैं यस, यहाँ पे बी दिया है तो यहाँ पे बी होना चाहिए। तो एक पैटर्न बन रहा है, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी। अब वापस ए से चालू करें, ए बी बी सी, यस ये रिपीट हो गया, देखिए ए बी बी सी, अब ये रिपीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या आना चाहिए, ए बी बी सी सी, ए बी बी, यस यहाँ पे बी आना चाहिए, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे ए बी बी सी सी, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में सारा पैटर्न बन रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए नेक्स्ट वाला क्या आएगा, सो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला यही आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ए डबल बी डबल सी। तो होप दैट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इस तरीके से 27 सम्स कराए, जिसके हेल्प से आप कोई भी नंबर सिस्टम के सम्स आएंगे तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज से जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स हैं, मैंने सारे सम्स कवर करने की कोशिश की है। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आप तक नोटिफिकेशन बराबर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।